प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान वैसे का वैसे ही है जैसे शादी से पहले था, कोई चेंज नहीं, वही का वही स्पार्क। कभी झगड़ा ही नहीं होता हमारा, हर वक्त सिर्फ प्यार प्यार और प्यार। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इनसे झगड़ा करने की कोशिश नहीं की, तो बहुत कोशिश की कि हमारी लड़ाई हो जाए, लेकिन ये मेरी हर बात मानता है, आज तक कभी किसी बात को टाला नहीं है। मैं अगर इनसे कह दूं कि मुझे शॉपिंग पर जाना है तो ये फौरन मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं इनसे दोबारा कह दूं लड़ाई करने के लिए ही कि मुझे फिर से शॉपिंग करनी है तो ये मुझे फिर से शॉपिंग कराने लेकर चले जाते हैं। अच्छा अगर मैं इनसे कह दूं कि मुझे खाना नहीं बनाना है तो ये क्या करते हैं कि बाहर से फौरन खाना ऑर्डर कर देते हैं, नहीं इनफैक्ट खुद बनाने लग जाते हैं खाना। बताइए कौन करता है ऐसा? अक्सर कपल्स की लड़ाई किस बात पर होती है बताइए? टीवी को लेकर। मेरा पति जितने शौक से मैच देखता है ना, उससे कहीं ज्यादा शौक से ये सीरियल देखता है बैठ के मेरे साथ। इनफैक्ट नागिन की तो एक्टिंग करके दिखाता है, दिखा नजर डाल लो, ये देखिए ये तो हाल है इनका। अच्छा दुनिया भर के पति शराब पीने के बाद में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड शराब पीने के बाद में और ज्यादा पोलाइट हो जाता है और ज्यादा रोमांटिक हो जाता है मेरे साथ में। अब बताइए ऐसे घर में झगड़ा कैसे हो? अभी मैं आपको पिछले वीकेंड की बात बताऊं, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी इनको लेकर। वहां क्या हुआ कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में फ्लर्ट कर रही थी और मेरे पति ने आकर मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से हाय हेलो की और हंसी खुशी पार्टी को एंजॉय कर रहा था। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे इंसान के साथ में जिंदगी कैसे कटेगी जिसके साथ कभी झगड़ा ही ना हुआ हो? आप बताइए हमारी लाइफ कैसे चलेगी? आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। सो मिस्टर चुग, अब ये बताइए कि आप लास्ट वीक किसकी बर्थडे पार्टी में गए थे? पायल। और कौन कौन से इनकी फ्रेंड्स वहाँ पे आई हुई थी? निशा, पायल, रितिका, सारे ऑफिस के कॉलीग्स, कॉलेज फ्रेंड्स पुराने। सबसे सुंदर कौन लग रही थी? आई वुड से निशा, शी वॉज लुकिंग रियली हॉट, शी इज गॉर्जियस। कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी निशा ने? ब्लैक वन पीस, शी वॉज लुकिंग डैम गुड। तो आपकी वाइफ ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? वाइफ ने So, has proved. Case is solved. बुस के ढेरी में राई का दाना। ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी तुम्हें पता है? मैंने जो ड्रेस पहनी थी ना वो तुमने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट करी थी। कलर याद नहीं है ना तुम्हें? तो ये कहाँ से याद होगा कि वो ड्रेस आई कहाँ से थी और मुझे कैसे फिट? कितनी बीवी के सामने किसी और की तारीफ करेगा तो झगड़ा तो होगा ही।